चूड़ा घोपना, हम तो सीधी लड़ाई लड़ते हैं दूसरे के मांझ में जाके। गुंडा अपने मोहल्ले को तंग करता है, मोहल्ले वालों से कुछ लेने के लिए तंग करता है, वही हिसाब पाकिस्तान। हमारे बीच में युद्धवीर सेठी जी मौजूद हैं, इनसे बात करके जाते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, क्या कहेंगे? ये चौथी बार हमला किया गया है आतंकवादियों की तरफ से, क्या कहेंगे? जब भी हमला हुआ पाकिस्तान को मुंह तोड़ का जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने दिया। आज उसके अंदर राशन नहीं खाने को, आज उनके गृह युद्ध लगा हुआ है, आज पीओके के इलाके वहां बगावत कर रहे हैं, वापस देश के साथ मिलना चाहते हैं, आज नरेंद्र भाई मोदी के गुण गा रहे हैं वो लोग यहां पे। इस कायरतापूर्वक जो घटना हुई कल, इन लोगों ने जो बुजदली दिखाई, पीठ के पीछे चूड़ा घोंपा, शर्म आनी चाहिए। आईएससी कमज़ोर हो चुकी है, यहाँ पे पत्थरबाजी बंद हो चुकी है, यहाँ पे हवाला का पैसा आना बंद हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पर जो यहाँ बैठ के नेता, कश्मीरी नेता जो उनका बैसाखी बनते थे पाकिस्तान वालों का, आज वो भी मुंह में चुप्पी लगाए बैठे हुए हैं। इसलिए बौखलाहट है, दुकानदारी बंद हो चुकी है, इसलिए ये घटना लोग करते हैं। पर आने वाले समय में हमारे फौजियों में इतना जज्बा है, हमारे राष्ट्रवादी लोगों में इतना जज्बा है, हम इसका बदला लेंगे। जब तक एक आतंकवादी यहाँ पे आखिरी जमीन से ख़त्म नहीं हो जाएगा, तब तक हमारी आर्मी या नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी चैन से नहीं बैठेंगे। पिछले साल की बात करें, पिछले साल भी इसी सेम जगह पे आतंकवादियों द्वारा जो है हमला किया गया था, जिसमें हमारे जवान जो है 8 से 9 जवान शहीद हुए थे। बौखलाहट है ना, पीठ के पीछे छुरा घोंपना, हम तो सीधी लड़ाई लड़ते हैं दूसरे के मांझ में जाके मार के आते हैं। ये एक चोरी छिपे किसी को मारना, पर इसका बदला हमारे जवान जिस प्रकार से लेंगे, मैं मीडिया को कहना चाहता हूँ, फिर एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, उससे बड़ा भी कोई कार्य हमारी फौजी भाई करके इसका आखिरी इतिहास लिखेंगे आतंकवाद का। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी ऐसा राष्ट्रवादी व्यक्ति नहीं है, अगर 47 के बाद नेहरू की जगह नरेंद्र भाई मोदी जी होते तो ये आज जम्मू हिंदुस्तान के ऐसे हालात ही ना होते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर युद्धवीर सेठी जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लाइक जो है वो जल्द से जल्द की जाएगी, और उन्होंने कहा कि हमारे पीठ पीछे शूरा जो है वो भोगते हैं पाकिस्तान की तरफ से। साफ तौर पर हमारे साथ जुड़े थे युद्धवीर सेठी जी। क्या कहोगे ये आतंकवादियों की तरफ से ये पाकिस्तान की घिनौन हरकत जो है, चौथी बार हमला हुआ, क्या कहोगे? ये बड़े दुखद बात है, ये बात बर्दाश्त होने के काबिल नहीं है। हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे ये चीज? इसको बर्दाश्त करना जरूरी नहीं है, ताकि पाकिस्तान को सही सबक सिखाया जाए। ताकि देखो, जब से देश आज़ाद हुआ है ना, जब से पाकिस्तान इंडिया बना हुआ है ना, तब से आप देखिए इंडिया ने कितनी प्रोग्रेस की है, कितनी। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंडिया ने तैयार नहीं की है। पाकिस्तान ने क्या किया? एक सुई तक नहीं आज तक बना पाया, और यही हरकतों में लगा रहा, और खासकर इंडिया के पीछे लगा रहा। ये बहुत बात हो गई, एक गली का गुंडा अपने मोहल्ले को तंग करता है, मोहल्ले वालों से कुछ लेने के लिए तंग करता है, वही हिसाब पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है कि मैं हरकत करूंगा मुझे कुछ मिल जाएगा। कुछ मिलने वाला नहीं है, इसको एक बार चाहिए पैंठ वाला और हरकत वाला। जो इसने हरकत कर रहा है ना बार बार, पैंठ में जैसे इसके साथ सलूक किया गया, जैसे कतर में किया गया, इसके साथ एक बार और चाहिए, तब जाके इंडिया आराम से रह पाएगा, वरना ये हमें आराम से रहने नहीं देगा। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिएगा दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सुनिए डोगरा को दी जा गया नमस्कार।